हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये देखिए जो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए जो फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसका आज नौवां दिन होने जा रहा है, यानी नाइन डे आज होने जा रहा है। हम लोग का एट डे कंप्लीट हो चुका है। आइए इस नाइन डे के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करते हैं जो लॉगरिथमिक फंक्शन का 5.5 का हम सॉल्यूशन करा रहे थे, उसी में आज हम उसके अगले 10 तक के क्वेश्चन में करा दिया था, 18 तक इसमें क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन इसमें से देखेंगे, 2 क्वेश्चन इसका एग्जांपल लेते हैं। आइए समझिए क्वेश्चन नंबर 11। बस इसे कुछ नहीं करना है भैया, जिस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते थे 10 तक के क्वेश्चन किए, ठीक उसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। बोलिए तो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू x cos x और फिर x यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, साइन एक्स 1/x। अच्छा इसको हम लोग क्या मानते थे, इसको यू मान लेते थे और इसको भी मान लेते थे, यही हम लोग का प्रोसेस होता था, इसी पे हम लोग क्या करते थे, जिसमें से हम क्या करते थे कि dy by dx निकालते थे और du by dx और dv by dx हम लोग निकाल रहे थे, यही करते थे। अब हम पहले क्या करेंगे कि u को x cos x और x यही है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दोनों साइड पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हम क्या करेंगे लॉग लेंगे, लॉग यू यक्स लॉग यक्स कॉस यक्स, बोलो बाबू 1/u डी यू बाई डी एक्स पहला डिफरेंशिएशन यहां पे, दूसरे का फिर बोलो इसमें फिर क्या करोगे 1/x cos x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे होंगे, तो इसका हम इसको हम डैश के फॉर्म में करके छोड़ देते हैं कि इसका हम फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बोलो फिर दूसरा डिफरेंशिएशन x cos x डिफरेंशिएशन पहले का। अब तुम क्या देख रहे हो, यक्स से यक्स कट रहा है, फिर अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो तो 1/cos x, बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला डिफरेंशिएशन दूसरा का, चेक करो पहला डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का और यहाँ पे लॉग यक्स cos x, ठीक है, कोई दिक्कत है भैया, नहीं है सर, तो चले आगे, हाँ सर चलिए, तो बोलो तो क्या आ रहा है 1/u du by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे आएगा x tan x और यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है और प्लस log x cos x, यही ना आएगा जी, देखिए तो पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1/x cos x, अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे हम डैश लगा के छोड़ दिए, प्लस दूसरा x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बताइए जब इसको मैंने रोक लिया है x को, जस का तस यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे cos x, x cos x को हमने यहाँ पे रख लिया है, x से x को काट दिया है, अब देखिए पहला डिफरेंशिएशन माने इसका दूसरा का, पहला डिफरेंशिएशन यानी पहले फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन x प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, फिर बोलो बाबू log x cos x, ये भी सही है, फिर बताओ cos x का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बोलो x साइन x बटा cos x क्या हो गया 10 x और cos x बटा cos x क्या हो गया 1 और फिर log x cos x, ओके अब क्या करोगे बोलो du by dx equal to u को हम यहाँ पे रख लेते हैं तो x tan x plus 1 log x फिर क्या होगा बाबू cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, u की वैल्यू को हम पुट कर लें क्या, बोलो तो u की वैल्यू तुम्हारा कितना है तो x cos x के पावर x, बोलो वैल्यू रखो
यक्स टेन एक्स प्लस वन लॉग एक्स फिर कॉस एक्स, क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया डी यू बाई डी एक्स भी को बोलो, तो इसी तरह से भी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यक्स साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। इसमें भी तुम डायरेक्ट यार लिख लेना लॉग लेने पे, यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं लॉग भी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई एक्स लॉग यक्स साइन एक्स, फिर बोलो बाबू वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स, पहला डिफरेंशिएशन यहाँ पे दूसरे का यक्स साइन एक्स, फिर बोलो बाबू फिर किसका करोगे वन बाई एक्स, हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन तो यक्स साइन एक्स, फिर प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसका करोगे वन बाई एक्स का, तो एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो माइनस वन आएगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स के पावर माइनस वन, यहाँ पे एक्स के पावर माइनस वन बाई टू यानी माइनस वन बाई टू, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चेक करते हैं क्वेश्चन में, अब बोलो कुछ आएगा? हाँ सर, तो क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारा यक्स से, क्योंकि एक काम और कर लो एक्स को बाहर ले लें क्या कॉमन ले लें क्या, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं कोई बात नहीं, एक्स एक्स है ना जी, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स तुम क्या करो कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा वन बाई साइन एक्स, एक्स तो तुम्हारा पहले से भी है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या आएगा, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे पहले का, कौन दिक्कत है, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, बोलो बाबू क्योंकि इसका तुम तो डिफरेंशिएशन कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, कर चुके हो, तो बोलो वो लॉग वन बाई एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स साइन एक्स यही आएगा, फिर क्या करोगे फिर क्या करोगे बोलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना जी, इसको ऐसा करिए कि क्योंकि पूरे में आप लिया है ना तो पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, पहला फिर डिफरेंशिएशन मैंने लिखा दूसरे का, फिर एक्स साइन एक्स जिसका दस हो गया, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिखा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, जब एक्स के पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो क्या आएगा मेरा ये आएगा। अब बताइए यहाँ पे वन बाई एक्स वन बाई एक्स साइन एक्स ये जो है जस का तस रहेगा, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, फिर बोलो बाबू तुम्हारा एक्स के स्क्वायर है यहाँ पे तो एक्स के स्क्वायर देखिए हम क्या किए हैं ना कि वन बाई एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, तो बोलो लॉग एक्स साइन एक्स कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है, अब क्या करोगे तो हाँ चेक करो, अरे यार दिक्कत किस बात की थी हम सफर में तो आए हैं, एक काम और करते हैं यहाँ पे यक्स की जो स्क्वायर वाला लोचा है ना यहां से ही खत्म कर दो, सब में से कॉमन ले लो, यहाँ पे यक्स के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वन बाई एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एक्स का स्क्वायर है यहाँ भी एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल रखा है, बोलो बाबू वन बाई एक्स स्क्वायर और यदि एक्स यहाँ पे क्या होगा कॉट एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्यों फिर यहाँ पे अब इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं यार सबसे बेटर रहेगा यहाँ पे, फिर माइनस अब लॉग यक्स साइन एक्स, ठीक है लॉग यक्स साइन एक्स क्लियर है तो सही है इतना, अब हम क्या करेंगे कि डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है बाबू, तो वी की वैल्यू तुम्हारा आया है एक्स साइन एक्स यक्स साइन यक्स के पावर वन बाई एक्स स्क्वायर यक्स कॉट एक्स प्लस वन और माइनस लॉग एक्स साइन एक्स ब्रैकेट में बंद, कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे
वैल्यू को पुट करते हैं, चेक करिएगा क्या आता है, बोलिए। तो यू भी दोनों पे जगहों पर रखो, रखो क्या आता है, तो dy by dx इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा, तो dy by dx बोलो बाबू, तो पहले की जगह पे, तो यहां पे dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, रखो x cos x x, फिर बताओ x tan x प्लस वन log cos x, बोलो दूसरा प्लस, प्लस लिख लेते हैं x sin x पावर वन बाई x, x स्क्वायर x cot x प्लस वन, और फिर माइनस log x sin x, ब्रैकेट बंद। यही तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए कभी कभी एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं करता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से वो मैच कर रहा हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चेक कीजिए क्या आता है, बोलिए। तो आज थोड़ा ब्लू कलर का इंक मेरा खत्म हो गया है, देखते हैं। देखिए जब तक चलता है मैं इससे सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो दिक्कत है प्रॉब्लम हो बताइएगा जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बाबू, सेम उसी तरह से, सेम उसी मेथड में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। u प्लस भी, यानी देखो पहले इसको कुछ मानते हैं, इसको u, इसको भी, और यहाँ पे ये तो है ही यार, तो इसको u और भी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका पहले देखो, इसको डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे बोलो लेट u इक्वल टू x के पावर y, log ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं, log u इक्वल टू x log sorry y log x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का। देखो यार हमारे पास कुछ आ रहा है, हमारे पास कुछ आ रहा है, y dy by dx हो गया। अब इसको कैसे करोगे आखिर, चलो तो देखते हैं। du by dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y by x और log x dy by dx, और u की वैल्यू यहाँ पे तुम पुट कर रहे होगे, तो क्या आ रहा होगा, u, u तुम्हारा क्या है, x y, x y, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसी तरह से v वाले टर्म को करो, तो v इक्वल टू तुम x के पावर y के पावर x माने हो, बोलो बाबू। तो इसका जब डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो dv by dx, dv by dx हो जाएगा, और जब इसको सॉरी log ले लो दोनों साइड, log v इक्वल टू x log y, 1 बटा v, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बटा dx, और पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो dy by dx प्लस y का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो, ठीक है, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, बोलो बाबू, वन बाई भी डी भी बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, फिर क्या करोगे, डी भी बाई डी एक्स, भी को यहाँ पे ले जाते हैं, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, फिर चेक करो बाबू भी की वैल्यू तुमने क्या माने हो, बोलो, तो x y के पावर x, x by y dy by dx plus log y, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तुम भी लिख लिए, u भी। अब क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है जब, अब इस पे वैल्यू को पुट करो, इस पे क्या करें हम, वैल्यू को पुट कर दें, पुट कर दो क्या आएगा,
तो जब रखोगे इस पे, मान लो यार इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग दिस वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग दिस वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट चेक करो, रखोगे तो क्या आएगा, तो x के पावर y, y बाई x log x dy बाई dx प्लस y के पावर x, x y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू, यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डालो सॉल्यूशन, चेक करो, दोनों साइड लॉग लेने का है यार, डायरेक्ट लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, चेक करो बाबू, तो क्या आएगा, एक्स लॉग वाई, वाई लॉग एक्स, पहला दूसरा, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, कोई बात नहीं है, हम वैल्यू को रखेंगे और अपना यहां पे इसको इधर ले आओ, तो लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स क्या करेंगे बाबू, ये जो लॉग वाई है ना, इसको आप इधर ले आइए, लॉग वाई, बताइए तो dy by dx को कॉमन लेंगे, तो dy by dx, x by y माइनस log x और फिर y by x log y हो जाएगा, क्या करेंगे बाबू, dy by dx इक्वल टू y by x माइनस log y बटा x माइनस y log x हो जाएगा। ओके, अगर थोड़ा सा इसका और कैलकुलेशन करना आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए y, एलसीएम लेंगे, यहां देखिए एलसीएम लेंगे by 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x log y बटा x बटे x माइनस y log y, बोलिए, तो यहां पे एक चीज होगा y by x हो जाएगा, y by x और फिर y माइनस एक्स लॉग वाई बटा एक्स माइनस वाई लॉग वाई, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बोलो 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर सॉल्व, सॉल्यूशन डालिए क्या होगा, तो सॉल्यूशन डालेंगे तो बताएंगे आप कि सर इसको इस तरह से आप कीजिए, तो किस तरह से करें भैया, वही तो पूछ रहे हैं सर, चलो तो देखो बताओ, बोलो लॉग लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके, तो लो भाई y log cos x equal to x log cos y, पहला दूसरा मान के सॉल्व करो, पहला डिफरेंशिएशन यहां पे दूसरे का, cos का क्या होगा, तो माइनस साइन x होगा, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy by dx, फिर चेक करते हैं, पहला इसको दूसरा इसको मानते हैं, तो बोलो पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, फिर बोलो cos का, यार cos का होगा माइनस साइन y, फिर बोलो यहाँ पे dy by dx, फिर तुम्हारा देखो यहाँ पे थीटा है ना भी, थीटा भी ना है जी y, तो dy by dx, फिर बताओ भैया, फिर प्लस दूसरा log cos y into 1, क्या करेंगे अब ये बताइए, माइनस y sin x बटा cos x क्या होगा, तो tan x हो जाएगा, प्लस log cos x dy by dx, फिर बोलो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा, अब बताओ माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा x, और यहाँ पे tan y dy by dx, और
log cos y, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही होगा। अब चेक करो, बोलो तो log cos x dy by dx इधर से इधर आएगा प्लस x tan y dy by dx, फिर बोलो log cos y इधर से इधर जब आप भेजिएगा तो y tan x हो जाएगा। भाई साहब जब इसको इधर से इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, y tan x, ठीक है। dy by dx कॉमन ले देते तो dy by dx यहाँ पे क्या आएगा, log cos x और x tan y इक्वल टू क्या रहा होगा बोलो, तो log cos y प्लस y tan x, ठीक है। अब बताइए इसका आप क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं तो dy by dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x बटा इतना को अब लिख लो log cos x प्लस x tan y, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा। क्या यही आंसर दिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ ये रखा है, हाँ तो बताइए तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका जब सॉल्यूशन आप डाल रहे होंगे, सॉल्यूशन बोलो तो लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके दोनों साइड लॉग लेंगे और इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे, बोलो क्या आएगा। तो यहां पे लॉग एक्स वाई हो जाएगा और लॉग ई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बताइए लॉग इसको पहला प्लस लॉग वाई कर ले क्या, ऐसे कर लेते हैं एक्स माइनस वाई और लॉग ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। बाबू अब इसको क्या करोगे बोलो, डिफरेंशिएशन करते हैं, वन बाई एक्स लॉग एक्स का क्या होगा वन बाई एक्स, इसका क्या होगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, बोलो तो क्या आएगा वन बाई एक्स वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बताओ इसको इधर से इधर भेज देते हैं तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स, ओके डी वाई बाई डी एक्स वन बाई वाई प्लस वन वन माइनस वन बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई। हम कुछ कर रहे होंगे, या तो इतने आंसर लिख दो या तो एलसीएम लेके एक्स वाई बना दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 15, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर बोलो भैया हो बोलो, पहले सबसे पहले क्या करते हैं यार, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन तो करना ही है तो डिफरेंशिएशन करोगे बोलो, तो दोनों साइड पहले लॉग लेते हैं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोलो बाबू तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग पूरे में लॉग लगा लेते हैं वन प्लस एक्स एक ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर फोर वन प्लस एक्स की पावर एट, ओके फिर बोलो वन बाई एफ एक्स और यहाँ पे क्या है तुम्हारा एफ एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। बताइए सब में लॉग रखिए तो भैया तो वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स पावर फोर प्लस लॉग वन प्लस एक्स पावर एट, ओके चलो सॉल्व करते हैं, फिर बोलो वन प्लस एक्स डिफरेंशिएशन यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या आएगा वन ही आ जाएगा प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर,
टू एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे दो यानी हाँ जी प्लस फोर एक्स है, तो यहाँ पे फोर एक्स बटा वन एक्स के पावर फोर क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉग का करेंगे वन बाय एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का करना पड़ता है तो वन यहाँ पे जीरो हो जा रहा है तो एक्स के पावर फोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे कि इसी तरह से इसका हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बताइए बाबू फिर क्या होगा, वन बाय एक्स प्लस एट, फिर लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे क्या होगा एट एक्स के पावर सेवन। अब क्या करेंगे, वन बाई एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स आएगा, वन प्लस एक्स टू एक्स और बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स का क्यूब और यहाँ पे वन प्लस एक्स के पावर फोर एट एक्स के पावर सेवन वन प्लस एक्स के पावर एट। एफ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारा, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है बोलो, तो वैल्यू पुट करो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स पावर फोर वन प्लस एक्स पावर एट, फिर बताइए वैल्यू पुट कीजिए वन बाई वन प्लस एक्स टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर, फिर बोलो फोर एक्स का क्यूब वन प्लस एक्स पावर फोर एट एक्स के पावर सेवन वन प्लस एक्स के पावर एट। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ डैश वन की वैल्यू, बोलो तो बाबू वैल्यू पुट करो निकालो कितना आ रहा है, वैल्यू पुट करो निकालो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम इरेज यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वाला इरेज ही कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे भैया, वन पुट करो तो क्या आएगा, तो एफ डैश वन इक्वल टू यहाँ पे वन प्लस वन हो जाएगा वन प्लस वन हो जाएगा वन प्लस वन हो जाएगा वन प्लस वन 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 हो जाएगा। ठीक है, फिर बताइए बड़े ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या लगा लें बड़ा ब्रैकेट, बोलो बाबू वन बाई टू प्लस टू बाई टू प्लस फाइव टू हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा वन प्लस वन टू, फिर बोलो फोर बाई फाइव हो जाएगा भाई फोर और वन प्लस सॉरी यार यहाँ पे फोर बाई टू प्लस यहाँ पे एट बाई टू हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस सेम वही मेथड चेक करते हैं, दो दो और यहाँ पे दो यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी दो, दो दुना की चार चार दुना आठ और आठ दुना की सोलह यानी सिक्सटीन, क्योंकि सबकी एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम रहता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो दो और एक तीन और चार सात और सात आठ और सात पंद्रह फिफ्टीन फिफ्टीन बाई टू आ जाएगा, इंटू फिफ्टीन बाई टू टू एट जा सिक्सटीन, फिर कितना आ जाएगा 120, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इसका भी आंसर हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे भी इसका आंसर निकाल रहे होंगे। आइए देखते हैं 17 क्वेश्चन को, 17 क्वेश्चन आप कैसे करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो मेथड तीन मेथड का यूज करना है, एक बोला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से करना है, फिर बोला है कि प्रोडक्ट ऑप्टेड बाय द सिंपल पॉलिनोमियल यानी एक एक फॉर्म में करके करना है, तीसरा क्या है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी निकालना है, कैसे निकालिएगा आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको हम पहला क्या है प्रोडक्ट रूल, पहला दूसरा वाला, तो पहले वाले रूल से हम करते हैं, तो लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट एक्स का क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, बोलो बाबू तो यहाँ पे तुम डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे तो पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट पहला तो यानी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन दूसरे का तो क्या हो जाएगा दूसरा वन
प्लस दूसरा एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 9, डिफरेंशिएशन पहले का तो कितना हो जाएगा 2x-5। ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करो, बोलो 3x4 और प्लस 7x2, फिर इसी तरह से 5 3 15x3, फिर 7 5 35x, और यहाँ पे 8 7 56, फिर बोलो 2x4, फिर क्या होगा -5x3। ओके, फिर यहाँ पे अब इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 14x2, फिर 7 5 35x, फिर 9 2 18, फिर 9 5 45। ठीक है, कोई कट रहा है तो काट लीजिए, कोई जुट रहा है तो जोड़ लीजिए। पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, फिर प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, बोलो बाबू मल्टीप्लाई अब जब करोगे तो 3x4 हो जाएगा और 7x2, फिर बताओ -5 3 15x3, फिर 7 5 35 -35x, हाँ फिर बोलो 8 3 जा, ओहो चलो देखते हैं फिर से सिस्टम, बोलो यार इसको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर लो यार, 3x2 + 7 और x2 - 5x + 8 प्लस 2x - 5x3 + 7x + 9, आगे पीछे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, चेक करो बोलो, तो 3x4 5 3 = 15x3 प्लस 8 3 = 24x2, फिर बोलो प्लस 7x2, फिर 7 5 = 35x प्लस 8 7 = 56 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो 2x4, फिर 5 2 = 14x2, फिर 9 2 = 18, 5x3, फिर 5 7 = 35x और फिर 9 5 = 45। ठीक है, देखिए तो अब कोई कट रहा हो तो काट लीजिए, ऐसा करते हैं कि जो देखा जाएगा, जो कटेगा कटेगा, जुटेगा जुटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसको साथ में कर देते हैं, x4 + 2x4, ठीक है, 4 वाले को हमने पास में कर लिया, -15x3 और x3 और है ना, -5x3, और बताइए और कोई है आपका, और कोई है आपका, हाँ जी, तो 8 3 = 24 7x2, हाँ बताइए बाबू, ये x2 है, हाँ तो 8 कीजिए, बोलिए 131x2, फिर बोलो प्लस 14x2 माइनस, बस 14 है ना, बस 14 है, बोलो x2, अब यहाँ पे इसको ऐड किए तो कितना आया, इतना आया था, यहाँ पे x2 है, ओके, फिर बोलो यार 35 और 35, 35x और 35x प्लस में 18x, 35x 35x प्लस में 18x, बोलो प्लस 56 प्लस 56 और कोई है, -45, एक काम करते हैं कि इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 5x5, यहाँ पे 20 हो जा रहा है, यहाँ पे कितना होगा 45x2, यहाँ पे 70x, अरे यार 70 होगा, एक जगह से और घटेगा ना बाबू,
तो 70 माइनस 18 दो और यहाँ पे 6 यानी 52x क्या आ रहा, माइनस 52x प्लस, और कुछ है जी? तो 56 माइनस 45 11 यानी 11, यही तुम्हारा है क्या? एक बार आंसर देखो तो। हाँ सही है। अब इसी को देखिए, इससे क्या है, मेरा इतना आया आंसर, दिमाग में रखिएगा। हम इसे दूसरा पार्ट इसी का सॉल्व करते हैं। बोलिए। इसी का हम दूसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बोलो बाबू, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, इसका मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करना है, यही बोला है ना दूसरा पार्ट? बोलिए तो सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। बताइए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यही है, इसे सॉल्व कीजिए क्या आ रहा है। बोलिए, पहले इसे इसको पहले तोड़ लेते हैं, इसके बाद हम डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे। तो एक्स के पावर यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस 7x का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 5x से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x के पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 7 5 जा 35 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे 9 5 जा 45x। फिर बोलो, अब अंदर फिर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 8x का क्यूब 76 और फिर 9 8 जा 72। ओके, क्या करें, इसे डिफ्रेंशिएट कर लें क्या भैया? पहले जो, हाँ यार डायरेक्ट, कुछ एक काम और करते हैं कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साथ रख लो, तो 8 और 7 15x का क्यूब और स्क्वायर वाला टर्म तुम्हारा क्या है, एक ठो ये है और एक ठो, यानी 35 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 9 6 15 26, यहाँ पे क्या आएगा 26 एक्स स्क्वायर, 26 क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा 26 एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोलो बाबू, दोनों को जब घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 11x प्लस 72। ओके, हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, 5x के पावर 4, 5 15 इंटू 3x स्क्वायर और 16 इंटू 2x, फिर प्लस 11, इसकी वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, 5x पावर 4, अब 15 3 जा 45 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 5 प्लस 11, यही है, यही है। ओके, तो देखिए इसका भी हमने डिफरेंशिएशन निकाला इस मेथड से भी, तो मेरा क्या आया, वही आया जो मेरा पहले आया था। अब देखते हैं हम इसी का जो थर्ड मेथड। बोलो बाबू, बोलो क्या है। सेवेंटीन क्वेश्चन ही मेरा चल रहा है, इसे हम लॉग में लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मैंने फालतू मिटा दिया यार, इसे तीनों से करना है, लॉगरिथमिक से भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है। बोलो बाबू बताओ, तो एक्स स्क्वायर
बताओ, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बोलो लेट y x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ओके, दोनों साइड लॉग ले लें क्या भैया? दोनों साइड लॉग ले लें, बोलो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, तो लॉग y, तो ऐसा करते हैं कि जब आप लॉग लोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9 होगा, यही ना होगा जी? तो बोलो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका 1 बटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो बताओ 2x माइनस 5 प्लस दूसरा इसका जब करोगे x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। बताओ तो यार 2x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर बोलो 3x स्क्वायर प्लस 7 और x का क्यूब प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू y को मल्टीप्लाई करो, बोलो। तो 2x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 7 x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9। कुछ करते हैं तो क्या करते हैं देखिए, बोलिए। हाँ, चेक करते हैं और क्या करेंगे। हाँ यार, ऐसा करते हैं ना कि इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे मिटा देते हैं, देखिए क्या आता है। हाँ, यहीं से हम लोग करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू भी तो आपको पुट करनी है। आपने क्या माना है y की वैल्यू? यही माना, तो बोलो dy by dx equal to y के जगह पे क्या रखोगे, x square minus 5x plus 8 x का cube plus 7x plus 9, यही तो y की वैल्यू है, इसके जगह पे हम पुट किए हैं। बोलो बाबू इसकी वैल्यू, एलसीएम लो। तो एलसीएम जब आप ले रहे होंगे तो x square minus 5x प्लस 8 हो जाएगा और x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा, इससे इसमें, बोलिए। जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो ये वाला कटेगा, बचेगा क्या ये, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 और बताओ यहाँ पे x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, प्लस दूसरा देखिए प्लस दूसरा, इससे इसको कटेगा, बचेगा क्या 3x स्क्वायर प्लस 7 और प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके, बोलो बाबू ये सही है, कट रहा है। हाँ जी, तो करोगे क्या बताओ? बताओ क्या करोगे? तो dy by dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, तो 2x माइनस 5 x का क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x के पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x, 5x का क्यूब माइनस 75 जा 35x, फिर बताओ 45 प्लस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलो अंदर 3x पावर 4 53 जा 15x का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा 28 24x स्क्वायर प्लस
7x² - 35x + 56। चेक करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा x^4। ये तुम्हारा माइनस में है, ये तुम्हारा माइनस में है, बोलो। तो -20x³, 14x² है, और यहाँ पे ये है, तीनों के तीनों हम क्या करेंगे, एड करेंगे। तो 14, 24 और 7, 8 और 7, 15, 3 और 4, यानी 45, यानी 14x² हो जाएगा +45x², ठीक है। और क्या बच रहा है बाबू तुम्हारे पास, 70 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 52x, तो लिख लो 52 - 52x, इसको घटा रहे होगे तो यहाँ पे आएगा +11=0, क्यों लगा रहे हैं, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा dy/dx, क्या यही आंसर था ना, यहाँ पे 11 है, ठीक है, लॉगरिथम है उस पर, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट रूप से हम सॉल्व करेंगे इसी को, तो बोलिए y = uv। देखो ना यार, जब हम प्रोडक्ट रूल ले रहे होंगे तो uv को हम पहले ले लेते हैं और w को दूसरे में ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, तो नहीं है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोलो सॉल्यूशन। y यानी dy/dx, बोलो क्या होगा, पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो क्या हो जाएगा यहाँ डिफरेंशिएशन dw/dx, यही ना होगा यार, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का u/v, इसका डिफरेंशिएशन करो तो u/dw/dx, यहाँ पे पहला दूसरा, बोलो पहला डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो क्या होगा dv/dx प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहले का, और यहाँ पे w तो है ही। तुम क्या देख पा रहे हो कि तुम्हारा dy/dx जो है कुछ ये निकल के आ रहा है, ये फिर ये, तो मेरा इससे क्या हो गया कि फर्स्ट पार्ट तो मेरा ऐसे ही सॉल्व हो गया। यदि हम इसी को लॉगरिथमिक फंक्शन से करते हैं, लॉगरिथमिक रूप से हम करते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखो, बोलो बोलो, लॉग लेते हैं तीनों में, ठीक है, y = uv w, तीन है ना, बोलो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके, बोलो बाबू, तो लॉग y = log u + log v + log w, इसका क्या करोगे, log y dy/dx, इसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो du/dx + 1/v dv/dx + 1/w dw/dx हो जाएगा। y को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y हो जाएगा 1/u du/dx 1/v dv/dx 1/w dw/dx, ठीक है, y की वैल्यू पुट करो, बोलो तो क्या आ रहा, जब y की वैल्यू पुट कर रहे होगे यहां पे तो आ रहा होगा uv w, ऐसा करते हैं, ये तो लाइन मैंने फालतू को लिखा, बट कोई बात नहीं, कोई भी चीज फालतू नहीं होता, हाँ 1/w, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो dy/dx मल्टीप्लाई करो,
जब इसमें तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यू कटेगा तो बचेगा वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस जब इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू कटेगा तो क्या बचेगा यू वी डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों मेथड से मेरा क्या हो जा रहा है यहाँ पे प्रूफ हो पा रहा है। ओके, दोनों मेथड से क्या हो पा रहा है यहाँ पे प्रूफ हो पा रहा है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं है हाँ या इसके बाद मैंने यहां दोनों मेथड से मेरा क्या हो गया आंसर इज कमिंग। अब देखते हैं 18 तक के क्वेश्चन हुआ, ये मेरा 5.5 ब्याज क्या होता है कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये दोनों होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, चलिए आज भी मेरा 10 क्वेश्चन का सीरीज ये 9 डे भी कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले दिन 10वें दिन को लेकर। अभी तक मैंने 90 क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैं खुद से दिया हूं, ये कर लोगे बहुत आसान है यार। ठीक है, 90 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।